इंसान जब घर वापस लौटता है, घर का तो ख्याल ही आता है, सुकून, राहत, हिफाजत। लेकिन कैसी अजीब बात है, हर घर के बाहर शयातीन की लंबी कतारें इंतजार में होती हैं। वो इंतजार करते हैं कोई आए तो हम उसके साथ घर के अंदर जाएं। ऐसे में कोई खुद को, अपने घर और घर वालों को कैसे बचाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का नाम लेकर घर में दाखिल होता है तो उस वक्त शैतान कहता है, न तो तुम्हें घर के अंदर रात गुजारने का मौका मिला, न खाना मिला। और जो अल्लाह ताला का नाम लिए बगैर चला जाता है तो शैतान कहता है, आज तुम्हें रात गुजारने का ठिकाना भी मिल गया, खाना भी मिल गया। रसूलुल्लाह ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाही वलजना व बिस्मिल्लाही खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ बेहतरीन अंदाज में निकलने का और बेहतरीन अंदाज में लौटने का। अल्लाह, तेरे नाम से मैं घर से निकलता हूँ और तेरे नाम से वापस लौटता हूँ। हमने अपने रब पर तवक्कुल किया। कितनी खूबसूरत दुआ है, अपने रब पर तवक्कुल कर लें, वो भरोसे के लायक है। और उसका नाम बरकतों वाला नाम, उसके नाम से ही हर काम करना है, उसके नाम से खैरी खैर है, बरकतें हैं, रहमतें हैं। घर से निकलते हुए, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह ताला हमें हर बार घर में दाखिल होते वक्त ये दुआ नसीब कर दे, उसी की तौफीक है। या अल्लाह तौफीक दे दे। इस दुआ की, दुआ भरी जिंदगी की दुआ इबादत है, दुआ हिफाजत है, दुआओं पर इन्हिसार है, दुआओं का हिसार है।